हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संचना और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल लव यू द एकेडमी में। आज हम बात करेंगे होम बेस्ड जॉब्स, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अलग अलग जॉब्स से आप कैसे घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पहली जॉब की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं कि पहली जॉब कौन सी है। तो यहाँ पे आपकी टाइपिस्ट की जॉब मिल रही है, जिसमें आप डाटा एंट्री का वर्क करोगे, तो टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। और साथ ही कंपनी प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं तो सॉफ्टमैन सॉल्यूशन है। और एक्सपीरियंस की बात अगर हम करें तो फ्रेशर्स टू 1 ईयर्स है, यानी कि फ्रेशर्स के पास एक अच्छा मौका है अप्लाई करने के लिए। सैलरी की बात करें तो 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर ईयर है। साथ ही लोकेशन आपकी रहेगी बैंगलोर, नोएडा और चेन्नई। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। सो फ्रेशर्स होम बेस्ड डाटा एंट्री की ये जॉब है, जिसमें पार्ट टाइम वर्क आप करेंगे। बस आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और साथ ही आप वेबसाइट पे जाकर के भी देख सकते हैं, gvlifephonesoft.com। तो आपको जो ये मंथ है, मतलब जो वर्क है जो आपको दिया जा रहा है टाइपिंग का, इसमें आप 13,500 टू 28,000 पर मंथ कमा सकते हैं। तो घर बैठे कमाने का इससे अच्छा मौका शायद मुझे नहीं लगता आपको कोई मिलेगा। तो चलिए अब जॉब इन्फो की तरफ बढ़ते हैं। तो जो जॉब इन्फॉर्मेशन है, उसमें जॉब रोल आपका रहेगा बैक ऑफिस ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विसेज, और इंडस्ट्रियल टाइप आपका रहेगा BPO कॉल सेंटर। वही एजुकेशन की बात करें तो एनी ग्रेजुएट, एनी पोस्ट ग्रेजुएट और 10th 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी थोड़ी सही होनी चाहिए, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। वहीं की स्किल्स की अगर हम बात करें तो आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहिए, आपको बैक ऑफिस का काम आना चाहिए, टाइपिंग स्पीड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है डाटा एंट्री जॉब में, वो है टाइपिंग स्पीड, वो अच्छी होनी चाहिए आपको। डाटा एंट्री ऑपरेटर, MS ऑफिस, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो दोस्तों दूसरी जॉब की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। तो दूसरी जॉब में अध्या ग्लोबल कंसल्टेंसिंग सर्विसेज है। वैसे तो ये बैकएंड की जॉब है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 1 to 6 ईयर्स, यानी कि मिनिमम 1 ईयर, और एक्सपीरियंस जो है 6 ईयर की रिक्वायरमेंट है। और सैलरी की बात करें तो 3.5 लाख टू 6 लाख पर ईयर। साथ ही लोकेशन आपकी रहेगी नोएडा, लेकिन आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि कंपनी प्रेफर करेगी नोएडा के लोगों को, लेकिन अगर आप ओवरऑल स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इमीडिएटली हायरिंग है यहाँ पे, और आपको सेल्स आनी चाहिए टेक्निकल में। आइए BPO वॉइस प्रोसेस रहेगा। एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो है ज़्यादा अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कंपनी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर को चुनेगी। और आपके घर में वाईफाई होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, तो लॉकडाउन के बाद आप कंफर्टेबली फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हो। कस्टमर सर्विसेज जो है फीमेल के लिए ही कस्टमर सर्विसेज अवेलेबल है, और एक पोजीशन है जो MIS के लिए है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जॉब इन्फो की बात करते हैं इस सेकंड जॉब की। तो सेल्स एंड BD है डिपार्टमेंट, और BPO कॉल सेंटर है इंडस्ट्रियल टाइप आपकी। तो दोस्तों अब एजुकेशन की बात करेंगे तो 10th 12th पास आराम से अप्लाई करेंगे, साथ ही अगर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो और भी अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं, की स्किल्स की बात करते हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर, ये बैक ऑफिस की जॉब है। जैसे आप बैक एंड पे काम करते हैं वैसे यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, अगर आप 2 से 4 घंटे करना चाहते हैं तो भी, लेकिन अगर आप 8 घंटे करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कितने टाइम तक बैठ के काम कर सकते हैं। तो टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, टेक्निकल सेल्स में आपका थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, और MS ऑफिस आपको चलाना आना चाहिए, वर्ड, एक्सेल और PPT। अब हम तीसरी जॉब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें आपको होम बेस्ड जॉब बताएंगे हम, बैक एंड जॉब की। तो बैक एंड पे वैसे तो काम होते हैं सारे डाटा एंट्री के, पेस्ट जॉब कंप्यूटर की। तो जो कंपनी है वो इंस्ट्रेनेटिल सर्विसेज आउटसोर्स प्राइवेट लिमिटेड। एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 6 ईयर्स। वहीं सैलरी रहेगी आपकी 50,000 मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 लाख पर ईयर। और ये जो लोकेशन रहेगी वो बैंगलोर, चेन्नई और नोएडा। तो आप वैसे तो पूरी ओवरऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी प्रेफर बैंगलोर, चेन्नई, नोएडा को करेगी, शायद उसकी ब्रांच वहां पे हो, कुछ कहा नहीं जा सकता इस बात को लेके। तो अब जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश स्किल्स जो है एडवांस होनी चाहिए, लीड जनरेशन प्लस टेक्निकल सेल्स प्लस कोल्ड कॉलिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस हुआ वेब रिसर्च में, और डेटा के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कॉल में, चैट में, ईमेल में, ताकि आप क्लाइंट्स को अटेंड कर सके और फुली डेडिकेशन से काम कर सके, कंपनी को वही क्लाइंट, वही एम्प्लॉय चाहिए। और क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं कैंडिडेट्स को जिसमें वो प्रोजेक्ट दे सके, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। बस आप घर बैठे काम कर सकते हैं, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, ब्रेडबोर्ड होना चाहिए,
और साथ ही हेडफोन होना चाहिए और स्काइप पे आपका अकाउंट होना चाहिए। ये फुल टाइम भी है जॉब, जिसको आप मंडे से फ्राइडे 8 घंटे करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं घर बैठे बैठे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हाउसवाइफ्स हैं जो अच्छे से कमाना चाहती हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्हें कहीं मिलेगी। तो अब आगे बढ़ते हुए अब हम कैंडिडेट प्रोफाइल की बात करेंगे। तो आप घर पे काम करेंगे, लोकेशन आपको बता दी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इमीडिएटली आज या कल में। सैलरी आपकी फिक्स रहेगी 15,000 और इंसेंटिव भी रहेगा साथ में, जो आपको महीने के एंड में बताया जाएगा कितना आपका इंसेंटिव बना है, वो आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। और ये डायरेक्ट कंपनी से है जॉब, तो कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप मेल कर सकते हैं उन्हें, उनकी मेल आईडी मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी होगी, और सेलेक्ट कर सकते हैं आप टेलीफोनिक प्रोसेस को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जॉब इन्फो की बात करते हैं। प्री सेल्स सेल्स बीडी ये डिपार्टमेंट है, बीपीओ और कॉल सेंटर इंडस्ट्री रहेगी। और आप ग्रेजुएट हैं और अंडर ग्रेजुएट हैं तो ही आपस में अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। अगर 10th 12th पास है तो आपके पास इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आपको एडवांस लेवल में थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए। की स्किल्स में कंप्यूटर ऑपरेटर, बैक ऑफिस, टाइपिंग स्पीड, कोल्ड कॉलिंग होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। एमएस ऑफिस कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। फोर्थ जॉब की तरफ बढ़ते हैं, और ये होम बेस्ड जॉब है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे घर बैठे काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लैपटॉप पे आराम से बस काम ही करते रहें, बीच बीच में उठते रहिएगा। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी प्रोफाइल की बात करते हैं। जो कंपनी है वो है एसआर टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस। एक्सपीरियंस जो है फ्रेशर्स टू 1 ईयर्स। तो जो जॉब सीकर्स हैं वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जॉब फ्रेशर्स के लिए है, ये खास बात है जॉब की। सैलरी जो है 1 लाख to 2 लाख पर ईयर। साथ ही लोकेशन आपकी रहेगी बेंगलोर और नोएडा, वैसे तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि होम बेस्ड जॉब में थोड़ी ना पता चलते कि आप क्या क्या करने वाले हो। और जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं हम आगे, तो जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें यहाँ पे 2 टाइप की जॉब बता रखी है, कि एसएमएस सेंडिंग प्रोजेक्ट और दूसरा है रिकैप्च एंट्री प्रोजेक्ट। तो एसएमएस सेंडिंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं पहले। तो क्लाइंट जो है सेंड, आपको उस क्लाइंट को सेंड करना है 100 मैसेज एवरीबडी फ्रॉम डेडिकेटिंग मोबाइल ऐप गिविंग बाय कंपनी, डेटा मोबाइल नंबर एंड कॉन्टैक्ट विल बी प्रोवाइड बाय कंपनी, कैंडिडेट नीड टू जस्ट सेंड एसएमएस एवरीडे, इट इज़ अ ओनली 5 मिनट ऑफ वर्क, नो नीड टू वर्क अ लॉट ऑफ टाइम। सैलरी 30,000 रहेगी आपकी पर मंथ, 3 महीने आपको कंटिन्यू काम करना होगा। जो वैकेंसीज निकली हैं एसएमएस सेंडिंग प्रोजेक्ट की वो 20 हैं। और रिकैप्च एंट्री प्रोजेक्ट में सेकंड जो है इसमें है, इन दिस जॉब यू कैन गेट पेमेंट बाय रिसॉल्विंग कैप, और सैलरी रहेगी आपकी 10,000 to 20,000, और 1 साल को आपको कंटिन्यू काम करना होगा यहाँ पे। और वैकेंसी जो निकाली गई है वो 10 निकाली गई है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जॉब इन्फो की। तो सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलैंसिंग एंड नेटवर्किंग ये डिपार्टमेंट है। एडवर्टाइजिंग, MR, PR, इवेंट्स ये इंडस्ट्रियल टाइप है। तो आगे बात करते हैं एजुकेशन की। तो आप ग्रेजुएट हो और अंडर ग्रेजुएट हो तो गुड है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है अगर आप 10th 12th पास भी हो, बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और जो जहाँ तक मेरे को लगता है कि लड़कियों की कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत अच्छी होती हैं देखा जाए तो। की स्किल्स की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर, बैक ऑफिस, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एमएस ऑफिस और कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर आपको पता होने चाहिए, इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए आखिरी जॉब की तरफ बढ़ते हैं, जो कि फ्रीलांसिंग जॉब है। आप आराम से घर बैठ के, कोई कहीं जाना नहीं है आपको, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो प्रोसेस होता है उसको फुलफिल करके आप आराम से घर बैठे कमा सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी जो है वो है चक्रिका इन्फो सॉल्यूशंस। एक्सपीरियंस जो है फ्रेशर्स टू 2 ईयर्स, यानी कि फ्रेशर्स के पास अच्छा मौका है अप्लाई करने के लिए। लोकेशन यहाँ पे दी गई है पौंडीचेरी। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सैलरी जो है यहाँ पे बताई गई नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद जब आपके पास कॉल आएगी तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैलरी डिस्क्लोज नहीं की गई है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाटा एंट्री की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। कैंडिडेट की टाइपिंग स्पीड पे भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, और होम बेस्ड जॉब है ये हाउसवाइफ और वर्किंग प्रोफेशन के लिए ज़्यादातर। और जॉब इन्फो की बात करें तो डाटा एंट्री डिपार्टमेंट है, IT सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। अदर स्किल्स की बात करें तो मल्टी लाइन फोन है। और वहीं एजुकेशन की बात करें तो हम
ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट हैं तो और भी गुड है, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी। लेकिन 10th 12th पास हैं तो भी मत घबराइए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर, बैक ऑफिस, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेट करना आना चाहिए आपको, एमएस ऑफिस में आपको एक्सेल, वर्ड और पीपीटी की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी वर्क कर सकते हैं आप। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इन पांचों वीडियो का, आप क्लिक करके shine.com पे जा करके अप्लाई कर सकते हैं। shine.com पे बहुत सही जॉब मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको होम बेस्ड जॉब्स की अपडेट्स मिलती रहें डेली डेली की।